हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम एक्सरसाइज 3B के क्वेश्चन नंबर 4 से आपको बताएंगे। ओके बेटा, देखिए क्या कह रहा है। लिखा है इफ़ ए प्लस 3B इज इक्वल टू 6, शो दैट ए क्यूब प्लस में 27 बी क्यूब प्लस में 54 AB इज इक्वल टू 216। आसान क्वेश्चन है बेटा, देखिए कैसे करेंगे। सॉल्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमको ए प्लस में 3B की वैल्यू दी है, इसको आप दोनों साइड क्यूब कर देंगे। ठीक है, वैल्यू क्या दी है, ए प्लस 3B इज इक्वल टू 6। आप लिखेंगे CBS का मतलब क्यूबिंग बोथ साइड। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, लेकिन आपको हमेशा लॉन्ग फॉर्म ही लिखना है। ठीक है, दोनों साइड क्यूब कर दीजिए। ए प्लस 3B की पावर 3 इज इक्वल टू 6 की पावर 3। ए प्लस 3B का होल क्यूब क्या बनेगा बेटा, ए का क्यूब प्लस में 3B का क्यूब प्लस में 3 into A into 3B ब्रैकेट में ए प्लस 3B ओके इज इक्वल टू 6 का क्यूब करोगे, यानी कि 6 into 6 करोगे आएगा 36 को जब आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 216। ठीक है, आप देखो ए का क्यूब तो ए क्यूब हो जाएगा प्लस में 3 की पावर 3 करेंगे, यानी 3 into 3 into 3 करेंगे तो आंसर कितना आएगा 27। बी का क्यूब करेंगे तो आ जाएगा बी क्यूब। ओके, अब देखो 3 3 9 और साथ में क्या लिख दोगे, ए बी इंटू में ये जो आपका ए प्लस 3B दिया है ना, इसकी वैल्यू आपको गिवन है, क्या गिवन है देखो 6। ए प्लस 3B की जगह क्या रखोगे, 6 रखोगे इज इक्वल टू 216। तो ये हो जाएगा आपका ए क्यूब प्लस में 27 बी क्यूब प्लस में 9 6 कितना हो गया 54, साथ में ए बी इज इक्वल टू 216। अब देखो यही चीज़ आपको प्रूफ करनी थी, यहाँ पे आपने प्रूफ कर दिया है। क्लियर है बेटा, अच्छे से ओके। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, देखेंगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या लिखा है। ए प्लस 2B प्लस में 3C इज इक्वल टू 0, शो दैट ए क्यूब प्लस में 8B क्यूब प्लस में 27C क्यूब इज इक्वल टू 18 ABC। ये चीज़ आपको दिखानी है ओके स्टूडेंट। इस क्वेश्चन को करने से पहले एक पर्टिकुलर टाइप की आइडेंटिटी है, उसको जान लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। देखो आइडेंटिटी क्या कहती है, सॉल्यूशन आइडेंटिटी कुछ इस तरीके से है कि कहीं पर अगर आपको दिया हो ए का क्यूब प्लस में बी का क्यूब प्लस में सी का क्यूब माइनस में 3 AB C, तो ये बराबर हो जाएगा, एक ब्रैकेट में होगा ए प्लस बी प्लस सी ओके, दूसरे ब्रैकेट में होगा बेटा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए ओके। ये आपकी आइडेंटिटी गिवन है। ये चीज़ तो बेटा आप जानते ही होंगे कि मैं ए बी सी जो है पोजीशन के लिए इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, ये चीज़ समझ गए ना। अब देखो अगर इसी आइडेंटिटी पे मान लिया जाए, अगर मान लिया जाए कि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी हो जाए, 0 हो जाए। अगर मान लिया जाए कुछ देर के लिए कि ए बी सी की वैल्यू यानी पहली पोजीशन प्लस में दूसरी पोजीशन प्लस में तीसरी पोजीशन का सम जो है वो अगर 0 हो जाए, इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी की जगह 0 रखेंगे, यही मतलब तो हुआ ना। और जब 0 को ये वाले पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर माइनस में ए बी माइनस में बी सी माइनस में सी ए, टर्म चाहे जितना भी लंबा हो जब उसको 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको आंसर में क्या मिलेगा, 0 मिलेगा ना। तो यानी आपका ए क्यूब प्लस में बी क्यूब ठीक है प्लस में सी क्यूब माइनस 3 ABC कितना आ जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब माइनस 3 ABC को जब आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में शिफ्ट करोगे तो वो प्लस 3 ABC हो जाएगा, अपना साइन चेंज कर देगा ओके। तो ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में सी क्यूब इज इक्वल टू कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका 3 ABC। क्लियर है, समझ में आया अच्छे से। अब कुछ यही चीज़ आपको यहाँ पे भी शो करनी है। ठीक है, यहाँ पे देखो ए की जगह पर ए रहेगा, बी की जगह पर 2B हो जाएगा, सी की जगह पर 3C हो जाएगा। ठीक है, देखो मैं लिखने जा रहा हूँ, समझना ये चीज़ लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, इसको आप लिखोगे आप
ए का क्यूब प्लस में टू बी क्यूब प्लस में थ्री सी की पावर थ्री, ठीक है, माइनस में थ्री इंटू ए की जगह पर ए है यानी पहली पोजीशन, दूसरी पोजीशन पर टू बी है, तीसरी पोजीशन पर थ्री सी है। ये बराबर हो जाएगा आपका, ब्रैकेट में लिखोगे ए प्लस में पहली पोजीशन प्लस में दूसरी पोजीशन प्लस में तीसरी पोजीशन। अच्छा, ये जो मैंने लिखा है ना, ये अपने मन से नहीं लिखा है, यहाँ से लिखा है, इसको ब्रेक करके -3 ABC या माइनस में 3 इंटू में पहली पोजीशन इंटू में दूसरी पोजीशन इंटू में तीसरी पोजीशन, ये तो लिखना ही था बेटा, क्योंकि इसी पे बेस तो आपकी आइडेंटिटी है, ठीक है ना। दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा बेटा, दूसरे ब्रैकेट में होगा आपका a का स्क्वायर प्लस में 2b का स्क्वायर प्लस में 3c का स्क्वायर, ठीक है, माइनस में a इंटू 2b, फिर माइनस में 2b इंटू 3c, ओके, फिर माइनस में 3c इंटू में a, ठीक है ना। देखो a की जगह पर a है, b की जगह पर 2b है और c की जगह पर 3c है, बस आपको इतना ध्यान रखना है और बाकी सारी चीज़ें सेम है, बस यहाँ पे पुट कर दिया मैंने। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, a प्लस 2b प्लस में 3c की वैल्यू जीरो दी है, यहाँ पे देखो गिवन है a प्लस 2b प्लस में 3c इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे बेटा क्या गिवन है, जीरो आपको दिया हुआ है, जीरो ये चीज़ आपको गिवन है, ओके। तो बेटा जब जीरो गिवन है तो जब जीरो यहाँ रख करके इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई कराओगे तो एट द एंड आपको क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, ये चीज़ भी आप समझ रहे हो, यानी ये हो जाएगा आपका a क्यूब प्लस में 2 की पावर 3 करेंगे तो आएगा 8, साथ में b क्यूब प्लस में 3 की पावर 3 करेंगे तो आ जाएगा 27 c क्यूब, माइनस में 3 2 6 6 3 18, साथ में a b c, a b c, ओके, इसको यहाँ काट दो, इज इक्वल टू यहाँ तो ज़ीरो रखोगे और ज़ीरो को जब इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई कराओगे तो एट द एंड आपको ज़ीरो ही मिलेगा। माइनस 18 ए बी सी को इधर भेज दो तो प्लस 18 ए बी सी हो जाएगा, ये चीज़ भी आप समझ रहे हो। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, ए क्यूब प्लस में 8 बी क्यूब प्लस में 27 सी क्यूब इज इक्वल टू कितना आ गया है, 18 ए बी सी। क्लियर है बेटा, अच्छे से, ओके, यही चीज़ आपको क्वेश्चन में प्रूफ करनी थी, ओके, क्लियर है। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बेटा, समझेंगे थोड़ा सा, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। देखो यहाँ पे दिया है आपको x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 3, लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस में 1 अपॉन x क्यूब। आसान क्वेश्चन है ये तो, काफ़ी आसान है, देखो कर लेंगे। सॉल्यूशन, x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू 3 दी हुई है, आप करेंगे बेटा यहाँ पे CBS, क्यूबिंग बोथ साइड, दोनों साइड क्या करोगे बेटा, क्यूब कर दोगे, तो x प्लस 1 अपॉन x का जब होल पावर में 3 करोगे तो इज इक्वल टू, तो ये 3 की भी पावर 3 हो जाएगी, क्योंकि जब एक साइड क्यूब किया है तो दोनों साइड, दूसरी साइड भी आपको क्यूब करना पड़ेगा, ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा x का क्यूब प्लस में 1 अपॉन x क्यूब प्लस में 3 इंटू x इंटू 1 अपॉन x, ब्रैकेट में x प्लस में 1 अपॉन x इज इक्वल टू 3 की पावर 3 करेंगे, आंसर कितना आएगा, 3 की पावर 3 करने का क्या मतलब है, 3 इंटू 3 इंटू 3 करिए तो आंसर आ जाएगा 27, ओके। x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, जो x प्लस 1 अपॉन x दिया हुआ है ना, इसकी जगह पे आप इसकी वैल्यू रख दो, इसकी वैल्यू क्या है, 3 है ना, जब 3 को यहाँ पर उठा के पुट करोगे तो 3 को जब 3 से मल्टीप्लाई कराओगे, बीच में 1 आ रहा है उसको आप निगलेक्ट कर दो, ठीक है, 3 को जब 3 से मल्टीप्लाई कराओगे तो आंसर आ जाएगा 9, तो ये हो जाएगा x क्यूब प्लस में 1 का क्यूब करेंगे 1 आएगा, x का क्यूब करेंगे x क्यूब हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 9 इज इक्वल टू 27 हो जाएगा। क्लियर है बेटा, अच्छे से, प्लस 9 को उधर भेजोगे तो माइनस 9 हो जाएगा, तो x क्यूब प्लस में 1 अपॉन x क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई, 18 आ जाएगी। क्लियर है, 27 में से 9 को माइनस करोगे तो 18 आएगा। क्लियर है बेटा, अच्छे से। स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।